हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ऑलरेडी मैं ये टॉपिक पे ऑल अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 21, इसके बारे में ऑलरेडी दो पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं। बेसिक डिटेल्स जो आपको अभी जाननी चाहिए वो सब उसमें मैंने बताई हुई है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बताया है, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या हैं, अलग अलग अटेम्प्ट्स की जो एलिजिबिलिटी डेट होती है वो मैंने बता दी है, रजिस्ट्रेशन फीस बता दी है, पूरा एक आउटलाइन भी बता दिया है, ODOP और प्री एग्जाम के बारे में बता दिया है, उसके डेट्स बता दिए हैं, एग्जाम फॉर्म के डेट्स और फीस बता दी है, फिर बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया है कि कितना समय लगता है, मॉड्यूल्स फिजिकल मिलेंगे कि नहीं वो भी बता दिया है, फिर आपको मैंने ये भी बता दिया था अमेंडमेंट्स के बारे में, कट ऑफ डेट क्या होती है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, हर चीज़ मैंने पार्ट वन एंड टू में बता दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पहले आप पार्ट वन एंड टू देख लीजिए, उसके बाद आप ये पार्ट देखिए, ठीक है, तो बेटर रहेगा। अब ये पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट में मैं आपको एक आउटलाइन दूंगा, एक ब्लूप्रिंट दूंगा कि आपको पूरा दिसंबर तक क्या आपका स्टडी प्लान रखना चाहिए। ये वीडियो पूरा स्टडी प्लान के बारे में है, कुछ टाइमलाइंस के बारे में है, कितने सब्जेक्ट्स एट अ टाइम पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स पर डे पर सब्जेक्ट आपको देने चाहिए, सेल्फ स्टडी नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं पढ़ाई करने के, दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला है आप क्लासेस लोगे, ऑनलाइन क्लासेस लोगे, और सेकंड है कि आप सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है, या एक या दो सब्जेक्ट के आप क्लासेस लोगे, एक या दो सब्जेक्ट आप सेल्फ करोगे, जो भी है, जो भी आप कॉम्बिनेशन यूज करो। पहला है, अगर आप क्लासेस ले रहे हो, अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लासेस देखनी है, आपको सिर्फ क्लासेस का जो शेड्यूल होता है, क्लासेस का जो ड्यूरेशन होता है वो आपको पता होता है कि टोटल ड्यूरेशन इतना है, पर डे अगर मैं इतना देखूंगा तो लगभग लगभग इतने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, एक रफ कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप सितंबर एंड तक सारे क्लासेस, जो एक फुल क्लास होती है प्रॉपर, जो फर्स्ट रीडिंग होती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आप पढ़ते हो, वो पढ़ाई आपकी सितंबर एंड तक हो जानी चाहिए। अब इसमें कोशिश ये करनी है कि हर सब्जेक्ट डेली देखो, क्योंकि आप एक ही मॉड्यूल कर रहे हो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि दिसंबर में अगर आप एग्जाम दे रहे हो और अगर आप फ्रेशर हो, आप सीएससी पास आउट हो, मई 2021 में अगर आप पास हुए हो, अभी पास हुए हो, तो आप दिसंबर में एक ही मॉड्यूल दे पाओगे, बोथ मॉड्यूल मेरे हिसाब से आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, और पास होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि रिवीजन के बिना आप पास नहीं हो सकते। आपकी फर्स्ट स्टडी हो सकता है दिसंबर तक हो जाए, फर्स्ट स्टडी में दिक्कत नहीं है, पर आप टेस्ट सीरीज ही नहीं दे पाओगे, आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप रिविजन ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप पास कैसे होंगे। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं आप उनसे फीडबैक ले सकते हो कि रिविजन का कितना बड़ा रोल होता है। खैर, आप खुद CACET पास आउट हो, CACET में भी आपको पता चल गया होगा कि रिवाइज करना कितना जरूरी है, खासकर जब आपका सिलेबस 700 टू 800 पेजेस का है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का 900 का पेजेस का भी आपका स्टडी मटेरियल आने वाला है, तो जब इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है तो रिवाइज किए बिना तो आपका प्रिपरेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो रिविजन के लिए एक सफिशियंट टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो अब आपके पास नहीं है। 10 मंथ्स लगभग लगते हैं बोथ ग्रुप को अच्छे से पढ़ के लिख के रिवाइज करने में, जो आपके पास नहीं है दिसंबर के लिए, ठीक है। आपके पास 7 महीने ही है, 6 महीने ही पकड़ के चलो, इफेक्टिव 6 मंथ से आपके पास, 6 मंथ में बोथ ग्रुप मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। 8 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि फिर उसमें ODOP भी करना है, प्री एग्जामिनेशन भी देनी है, एग्जाम फॉर्म भी भरना है, इतनी सारी चीजें इतने कम समय में नहीं हो पाती, ठीक है। ऊपर से कोविड का समय चल रहा है, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे अनसर्टन फेज में जब आप अपना शेड्यूल ही फोकस नहीं कर पाओगे, ऐसे इसमें इतना बड़ा टारगेट रखना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो गो विथ एनी वन मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल आप जाओ, इसमें भी मैं आपको ऑलरेडी पार्ट वन या टू में बता चुका हूं कि मॉड्यूल टू इज मोर प्रेफरेबल, उसका पासिंग रिजल्ट थोड़ा ज्यादा है, और रीजन बहुत ही साफ है, क्योंकि 2 MCQ सब्जेक्ट्स हैं और 2 ही रिटन है। फर्स्ट मॉड्यूल में 1 ही MCQ है, 3 पेपर रिटन है, रिटन पेपर्स में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और पासिंग परसेंटेज भी इसीलिए मॉड्यूल टू का ज्यादा है, ठीक है। तो चॉइस बहुत ही ऑब्वियस है कि मॉड्यूल टू पहले देना चाहिए। चलिए, तो क्लासेस जो लेने वाले हैं, सितंबर एंड तक आपको क्लासेस कंप्लीट कर देनी चाहिए, और अमेंडमेंट्स भी आपको
अगस्त में मिल जाती है नॉर्मली। सारे टीचर्स यूट्यूब पे अपने अपने सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स डाल देते हैं अगस्त में फॉर दिसंबर, तो आप अगस्त में और सितंबर में आराम से अमेंडमेंट्स भी कवर करके पूरी जो आपकी स्टडी है वो सितंबर एंड तक आप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत जल्दी भी कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, कि काफ़ी बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि यार एक सब्जेक्ट एट ए टाइम करें। एक सब्जेक्ट एट ए टाइम मेरे हिसाब से सही नहीं होता, क्योंकि आप बोर हो जाते हो, आप बोर हो जाओगे, और आप अगर पूरा दिन यूटिलाइज नहीं कर पाए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जहां आप 8 घंटे पढ़ सकते हो वहां आप 3 या 4 मैक्सिमम घंटे पढ़ पाओगे और आपको लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कम से कम 2 या 3, बेस्ट है 4 ही कर लो, क्या दिक्कत है। 2 या 3 जब आप सब्जेक्ट्स एट ए टाइम पढ़ते हो तो आपको चौथे सब्जेक्ट की टेंशन सताएगी कि यार वो कब पढ़ूंगा, वो रह तो नहीं जाएगा, उसमें मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि उसमें 40 मार्क्स भी ना ले पाऊं। तो ये सब डर आपको सताते रहेगा, इनसिक्योरिटी आते रहेगी। इसीलिए बेस्ट है आप चारों सब्जेक्ट्स पढ़ो, चारों सब्जेक्ट्स को यूनिफॉर्म रखो, चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, तो आपको कभी भी कोई भी एक सब्जेक्ट का टेंशन नहीं आएगा। यूनिफॉर्मली हर सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएगा, और कुछ सब्जेक्ट अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ सितंबर में जाएंगे, वो चलते रहता है। कंप्लीशन अलग अलग होगा क्योंकि लेंथ हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। कोशिश करना कि हर सब्जेक्ट को 3 महीने एटलीस्ट आप दे दो, 2 महीने 1.5 महीने, इतने कम ड्यूरेशन में कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट मत करना, इतना फास्ट उसको मत पढ़ना, क्योंकि आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ईटी के बच्चे हो, काफी सब्जेक्ट्स का बेस बनाने में आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए उसकी। जैसे कि मेरा अकाउंट सब्जेक्ट है तो अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बेस बनाना पड़ेगा आपको, अकाउंट्स पहले था नहीं, 12th तक था, 12th तक का आप वैसे भी भूल गए होंगे, या उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका अभी बचा नहीं होगा आए ख्याल में। तो ऐसा है, सितंबर एंड तक आपको पूरे क्लासेस कंप्लीट करने चाहिए, ठीक है। फिर बचता है अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर, तकरीबन 20 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं दिसंबर के, तो 20 या 19 दिन आपके दिसंबर के भी हैं, ठीक है, 15 दिन मान के चलो, तो 2.5 महीने आपके पास है, 2.5 महीने आपके पास है। और ये 2.5 महीने में आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, मतलब रिविजन्स करनी है, और आपको टेस्ट भी देने, एक या दो राउंड ऑफ फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने चाहिए मेरे हिसाब से कम, ठीक है, ज़्यादा दे पाओ तो अच्छी बात है। तो 2.5 महीने में आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि 2 महीने आप रिविजन के लिए रख दो, 2 महीने में आराम से आप 4 या 5 या 6 रिविजन्स कर सकते हो, जो कि मोर देन इनफ होती है। और हाफ मंथ जो 15-20 दिन है वो आप टेस्ट सीरीज के लिए रख लो, एक या दो या 3 राउंड ऑफ फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आप दे दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आप टाइम यूटिलाइज करो, ठीक है, सितंबर एंड तक, यानी कि 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने आप पढ़ाई करो, फर्स्ट रीडिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करो, सितंबर एंड तक हो जाएगी, फिर 2 महीने आप रिवाइज करो, और आप आधा महीना 15-20 दिन आप टेस्ट सीरीज दे दो, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन इसमें आपकी हो जाएगी, ठीक है। और साइड बाय साइड आपको और भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, ये मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, साइड बाय साइड जब ओडीओपी अवेलेबल हो जाएगी तो 1 डे में आप वो ओडीओपी कंप्लीट कर लेना। फिर जब प्री एग्जाम का टाइम आएगा, जो कि बेस्ट टाइम होता है जुलाई एंड अगस्त, जुलाई से पहले प्री टेस्ट के बारे में सोचना भी गुनाह है, सोचना ही नहीं, टेंशन लेना ही नहीं, आराम से हो जाती है। अभी टेंशन लोगे तो अभी आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी वेबसाइट इश्यूज होते हैं, आपको भी सिलेबस की कोई जानकारी नहीं है, प्री टेस्ट देके करोगे क्या, प्री टेस्ट के लिए पढ़ाई तो करो ना पहले, तो पहले आप पढ़ाई करो, आधी पढ़ाई जब हो जाएगी, आधे से ज्यादा जब पढ़ाई हो जाएगी, देन यू कैन ट्राई फॉर प्री टेस्ट, देन इट इज द प्रॉपर टाइम टू अपियर फॉर द प्री टेस्ट। तो आप जुलाई या अगस्त में उसको कर लेना कंप्लीट साइड बाय साइड, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर अगस्त एंड में या सितंबर में आपके फॉर्म खुल जाएंगे, फिर आप फॉर्म भी फिल कर देना। तो ये साइड बाय साइड आपको जो इंस्टीट्यूट की फॉर्मेलिटीज है ये आपको साइड में करते रहनी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया सर जो क्लासेस लेके पढ़ने वाले, ठीक है। और क्लासेस में मैंने आप एक और चीज बता दूं कि 2 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ना है। अब 2 घंटे को ब्रेक करो कि 1.5 आवर आप लेक्चर देखो, टिपिकल आई थिंक रिकॉर्डिंग 2 घंटे की होती है काफी फैकल्टीज की, कुछ फैकल्टीज की 1 आवर भी होती है, तो आप देखो कैसे करना है। बट मेरे हिसाब से आपको 15 मिनट या 20 मिनट या एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको रिवाइज करने के लिए रखना पड़ेगा। अगर आप 1.5 घंटा एक लेक्चर देख रहे हो या 2 घंटे देख रहे हो तो एटलीस्ट 20-25 मिनट तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना उसको। और
ये तो डेली रिवीजन हो गई कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं सेल्फ एक बार देख लूँ, चार्ट वार्ट बना होगा तो एक बार चार्ट से मैं उसको रिवाइज कर लूँ, और फिर एक फ्रीक्वेंसी में 15 दिन 20 दिन या मंथली आपको जितना भी मंथ में आपने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये बेस्ट वे होता है तरीका, 15 15 20 20 दिन में आप एक ओवरव्यू भी कर लो कि कितना सिलेबस हो गया है, उसको एक बार फटाफट क्विक रिविजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया जो क्लासेस लेके पढ़ने वाले। अब है सर सेल्फ स्टडी वाले, ठीक है, ध्यान दो सेल्फ स्टडी वाले। सेल्फ स्टडी वालों का देखो पंगा क्या है कि चीजें समझने में बहुत टाइम लगता है, उतना आसान नहीं होगा जितना क्लासेस वालों के लिए होगा। क्लासेस वालों को फटाफट देख के सब चीजें समझ में आ जाती है, पर आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है, काफ़ी चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेगी गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को सर्च कर करके बहुत ही मुश्किल से एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं जाती अगर आप सेल्फ भी करोगे, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो जैसे सितंबर एंड तक क्लासेस वालों का तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, आपका अक्टूबर एंड तक भी एक आध सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जा सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एक ग्रुप सेल्फ स्टडी दिसंबर के लिए हो सकता है, आराम से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रल प्लान रखो, न्यूट्रल प्लान मतलब 2 घंटे पर सब्जेक्ट। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट है, एक ही मॉड्यूल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उतना कर सकते हो। ठीक है, और आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो क्लासेस वाले थे उनको जरूरी नहीं है, क्लासेस वाले ही दे देते हैं, फैकल्टी ही आपको अच्छे से नोट्स देती है, रिविजन नोट्स देती है, काफ़ी लोग चार्ट बुक भी देते हैं, जैसे मैं खुद चार्ट बुक्स भी देता हूँ लेक्चर बायस को, तो आपको कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सब कुछ चार्ट्स आपको दिया हुआ है, खुद भी आप बना के देख सकते हो फॉर कॉन्फिडेंस, बट आपको ज़बरदस्ती चार्ट्स नहीं बनाने। पढ़ाते वक्त भी मैं काफ़ी टॉपिक्स के चार्ट्स बनवाता हूँ, तो वो आपको मेरे साथ 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 बनाते जाने, पर क्लासेस वालों को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो सेल्फ कर रहे हैं उनको तो समझने के लिए ही बहुत सारे चार्ट्स, डायग्राम्स, सिंप्लीफिकेशंस करने पड़ते हैं, अपने लैंग्वेज में कुछ कुछ आपको लिखना पड़ेगा, वो सब आपको करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी जो बच्चे कर रहे हैं उनको प्रॉपर रजिस्टर बना के, नोट्स बना के पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ो, 8 से 9 10 घंटे आप पढ़ो, आराम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, और आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे। ठीक है, तो आप बस 15 20 दिन आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, मैक्सिमम एक मंथ ज्यादा लग जाएगा, अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी टाइम है, फिर भी आप पास हो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 15 से 20 अक्टूबर का टारगेट रखो, और अक्टूबर एंड तक भी गया तो कोई टेंशन नहीं, एक दो सब्जेक्ट लेंदी है तो टाइम लगता है। ठीक है, तो आपके पास बचेगा नवंबर दिसंबर, मतलब नवंबर पूरा बचेगा और आधा दिसंबर, यानी 1.5 मंथ आपको लगेगा, मतलब बचेगा, या 2 महीने तकरीबन बचेंगे, अगर 15 अक्टूबर पे आपका हो जाता है तो आपके पूरे 2 महीने बचेंगे। ठीक है, तो आप 1.5 मंथ या 1 मंथ आप रिविजन के लिए रखो, 2 से 3 रिविजन्स हो जाती हैं, 2 रिविजन तो मिनिमम हो जाएंगे, ज़्यादा हो सकती हैं तो और अच्छी बात है, और 15 दिन आप रखो टेस्ट सीरीज के लिए, मतलब 1 या 2 राउंड टेस्ट के आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना, क्योंकि आप सेल्फ कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लाने के लिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले आप सेल्फ टेस्ट दो, पेपर्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं आखिरी 2 महीने में, विथ सजेस्टेड आंसर ही सर्कुलेट होते हैं, तो आप किसी भी फैकल्टी के कोई भी पेपर को यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तब अवेलेबल हो जाएंगे। अभी से टेंशन मत लो, अभी से टेंशन मत लो, जब नवंबर आएगा आपको मतलब बाढ़ आ जाएगी, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे रिविजन नोट्स, हर चीज़ आपको नवंबर, अक्टूबर नवंबर से मिलना चालू हो जाएंगी। अभी से आप मांगोगे तो कोई नहीं देगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी कोई कुछ बनाता नहीं है दिसंबर के लिए, तो जैसे अक्टूबर आएगा आपको सब चीज़ें, सब सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सही टाइम पे सही चीज़ मिलेगी, तो ऐसा आउटलाइन सेल्फ स्टडी के बच्चों को होना चाहिए। ठीक है, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, प्लेन 2 घंटे 1.5 घंटे कम से कम, उतना 1.5 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और डेट जो टाइमलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अक्टूबर के आगे नहीं जाने देना है, अक्टूबर के आगे जा रहा है तो जितना कंप्लीट हुआ उतना ही रोक देना है, फिर रिविजन जितना भी पढ़ा होगा उसको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट रीडिंग नवंबर में लेके जाओगे फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो एक डेडलाइन रखना जरूरी है कि इसके आगे अब मैं नए कंसेप्ट्स नहीं पढ़ूंगा,
जितना भी पढ़ लिया है 70% होगा सिलेबस का, 80% होगा, 90% होगा, जितना भी सिलेबस आपने कवर कर लिया है बस उसको अब अच्छे से रिवाइज करके जाऊं, ये आपका लास्ट वन या वन एंड हाफ मंथ में एफर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको करना है सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को, ठीक है। फिर मैंने आपको अमेंडमेंट्स के बारे में बता दिया था कि अमेंडमेंट का कट ऑफ डेट जो होता है सर वो 30 जून है। 30 जून तक के जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, मिनिस्ट्री होगी, वो अपने अपने अमेंडमेंट्स नोटिफाई करती है, तो वो सब 30 जून तक जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो सब दिसंबर में पूछे जा सकते हैं। और अभी जो आपको मटेरियल मिलेगा वो 31 दिसंबर 2020, ध्यान दो, 31 दिसंबर 2020 तक का अमेंडेड होगा, मतलब 6 महीने के अमेंडमेंट्स आपको अलग से ही पढ़ने पड़ते हैं, ये मैं ऑलरेडी भी समझा चुका हूं पार्ट वन एंड टू में। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जुलाई एंड या अगस्त में आपको वो अमेंडमेंट सेपरेटली हर फैकल्टी देता है, जिससे आप क्लासेस लोगे वो तो आपको दे ही देगा। सेल्फ स्टडी वाले जो बच्चे हैं उनको वही मैं कह रहा हूं, अगस्त तक आप वेट करो, अलग अलग फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट्स का अमेंडमेंट यूट्यूब पे डालते ही हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट्स का भी जो अमेंडमेंट होगा मैं जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में डाल देता हूं हर अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये है सर स्टडी प्लान, ठीक है, ये है स्टडी प्लान। इवन ध्यान क्या देना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, ताकि कोई सब्जेक्ट आपको टफ ना लगे या कोई सब्जेक्ट ऐसा ना लगे कि यार इसमें मैं फेल ना हो जाऊं या ये कंप्लीट ना होगा, ऐसे जो डाउट्स आते हैं ये तब नहीं आएंगे जब आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे और मोर ऑर लेस सब फिर एक ही समय पे कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसा आपको करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सिंगल मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करना है अगर आप दिसंबर दे रहे हो और आप एक फ्रेश स्टूडेंट हो ईईटी के, तो अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट थे, जनवरी का आप सीएसईटी पास कर चुके हो, नवंबर का कर चुके हो पिछले साल का, तो आप बोथ ग्रुप जा सकते हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ भी लिया होगा, 2-3 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे या 4 सब्जेक्ट्स आधे आधे कंप्लीट हो गए होंगे, अगर आप उस स्टेज में हो तो आप बोथ ग्रुप के लिए दिसंबर में जा सकते हो, पर आपका कुछ ना कुछ 20-30-40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अगर, तो ही आप वो कर सकते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो, जीरो लेवल अगर आप अपनी मानते हो, तो आप सिंगल ग्रुप ही कर पाओगे, बोथ ग्रुप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना भाई, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें, बहुत ही कमाल के वीडियोस आने वाले हैं। इसी तरह अलग अलग माइन्यूट पॉइंट्स पे मैं आपको गाइड करते रहूंगा, सारे इंस्टीट्यूट के जो अपडेट्स होते हैं वो सबसे तेज सबसे पहले आपको मैं प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक है। और बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस भी आने वाले हैं, सीएमए एफएसएम में मैं डील करता हूं, वीडियो लेक्चर्स तो मैं सेल करता ही हूं बट गाइडेंस भी देता हूं यूट्यूब पे फ्रीली टू ऑल पैन इंडिया सीएस स्टूडेंट्स, और बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड यानी टॉपिक कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस भी मैं डालते रहूंगा, ठीक है। तो चैनल जरूर फॉलो करना ताकि आपको परेशानी ना हो, कोई टॉपिक आपसे स्किप ना हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट स्किप ना हो जाए, तो आप ये चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।